देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल की तरफ से पेश किया गया करीब 4,79,701.10 करोड़ रुपए के इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले यह करीब 12% अधिक है। इस बजट में 21,212.96 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए रखे गए हैं। बजट की सबसे खास बात यह है कि इसमें गौशालाओं के लिए भी 447 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर योगी की इस बजट की तुलना पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार की बजट से करें तो साल 2016 में अखिलेश सरकार का बजट जहां 3.46 लाख करोड़ रुपए था, वहीं योगी सरकार के इस बार का बजट 4.79 लाख करोड़ का है, जो कि करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए अधिक और 48% ज्यादा है। वहीं अखिलेश सरकार ने 2016 में जहां राहत कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि में 709 करोड़ की व्यवस्था की थी, वहीं योगी सरकार ने इसके लिए 1820 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अखिलेश सरकार ने 2016-17 में गौशालाओं के लिए मात्र 5 करोड़ की व्यवस्था की थी, जबकि योगी सरकार ने इस बार शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत 200 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 247.6 करोड़ की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, मदिरा बिक्री से प्राप्त होने वाले 165 करोड़ की राजस्व को भी गाय पर ही खर्च किया जाएगा। प्रदेश के गांव में बसने वाले लोगों को शुद्ध और साफ पेयजल मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए अखिलेश सरकार ने 2300 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि इस बार योगी सरकार ने लगभग 30% अधिक 2954 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वहीं योगी सरकार ने प्रदेश के परंपरागत कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची और राजमिस्त्रियों के उत्थान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की और उसका बजट 30 करोड़ रखा है, जबकि अखिलेश सरकार की ऐसे ही पावरलूम विकास योजना का बजट 15 करोड़ रुपए थे। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।